हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अ टेल ऑफ थाउजेंड स्टार्स के एपिसोड 8 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास्ट में आती है। टियन टॉर्फन के लिए पूजा करता है और उसकी कब्र के पास फ्लावर रख कर कहता है कि मैं अब वॉलंटियर टीचर बन गया हूँ, इसीलिए अब मैं कुछ वक्त तक तुम्हारे लिए फ्लावर्स नहीं ला पाऊँगा। मुझे नहीं पता कि तुम सपने में मुझे किस चीज़ का ध्यान रखने को कह रही थी, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो चीज़ भाफंडाओ विलेज में ही होगी। ये कहकर टियन चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फूफा टॉर्फन के लिए फ्लावर्स लाता है। वहाँ पहले से फ्लावर रखा थे, एक फूफा चौंक जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फूफा टियन के घर की तलाशी लेने लगता है और वहाँ उसे टॉर्फन की डायरी मिलती है। लॉन्गटे टियन को स्ट्रेस देखकर टियन को कहता है कि आपने जो कुछ भी मुझे कहा है वो बस आप आराम से विलेजर्स को समझा दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि सब आपको ज़रूर समझेंगे। टियन लॉन्गटे को कहता है कि फूफा कहाँ पे है। थोड़ी देर पहले वो खमा सबको स्कूल दोबारा बनाने में साथ देने के लिए थैंक्स कहते हैं और टियन को स्पीच देने को कहते हैं। टियन कहता है, मुझे आज यहाँ खड़ा होकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगा। टियन कहता है, सच तो ये है कि मैं यहाँ अच्छा टीचर बनने नहीं आया हूँ, बल्कि एक उलझन के कारण आया हूँ। मुझे लगा था कि मैं यहाँ के लोगों की मदद करके अपना बोझ हल्का कर लूँगा। आया हूँ मेरे कारण आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही हो रही है, पर फिर भी यहाँ के लोग मुझसे नफरत नहीं करते हैं। फूफा टॉर्फन की डायरी पढ़कर चौंक जाता है और समझ जाता है कि टियन को यहाँ की चीज़ों के बारे में डायरी। टियन कहता है, यहाँ के लोगों ने मुझे फैमिली समझकर मेरा ध्यान रखा है और मुझे जीने का सही मतलब सिखाया है और मुझे घर होने की भी फीलिंग दी है। ज़्यादा यहाँ के लोग मुझे अच्छा ट्रीट करते हैं उतना ज़्यादा ही मुझे। टियन कहता है कि मैं एक बार मरते मरते बचा हूँ और यहीं के एक इंसान ने मुझे अपना दिल देकर मुझे दोबारा मौका दिया है। तभी पीछे से फूफा टॉर्फन की डायरी दिखाकर पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम टॉर्फन को जानते ही नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पास टॉर्फन की डायरी क्या कर। टियन कहता है कि टॉर्फन ने मुझे अपना हर्ट दिया है और मैं ही उसकी मौत का कारण हूँ। फूफा गुस्सा होकर कहता है, तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया। सब टियन को ब्लेम करने लगते हैं। टियन रोते रोते जाने लगता है। सभी लोग उससे मुंह फेर लेते हैं। टियन वहाँ से चला जाता है। टियन स्कूल आता है पर वहाँ पे कोई भी बच्चा उससे पढ़ने नहीं आता है। यॉर्क टियन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आज कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला है। टियन कहता है कि पहले आप चले जाइए, मैं यहीं पे इंतज़ार करूँगा। तभी मीजू वहाँ आकर टियन को कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे छुप कर आई हूँ। मीजू कहती है, मेरी माँ ने कहा है कि आपकी वजह से मिस टॉर्फन की मौत हुई है, तो मौत का मतलब क्या होता है। टियन कुछ नहीं बोलता है। सभी लोग टॉर्फन को श्रद्धांजलि देते हैं। टियन को देखकर सब लोग उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। टियन रोने लगता है। फूफा टियन का सामान बाहर निकाल कर खड़ा होता है। फूफा टियन को देखकर कहता है कि स्कूल भी अब ठीक हो चुका है और कल्प्रिट भी पकड़ा गया है, तो तुम्हें अब मेरे घर में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टियन फूफा को कहता है कि तुम्हें मुझे लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। फूफा कहता है कि तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम यॉर्ड या आराम से मदद मांग सकते हो। फूफा कहता है, सभी लोग तुमसे निराश हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ और मैं भी तुम्हारा दोबारा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। टियन अपना सामान और डायरी लेकर जा रहा होता है। फूफा कहता है, तुम डायरी यहीं पे छोड़ दो, तुमने जो टॉर्फन का दिल लिया है वही काफ़ी है तुम्हारे। टियन डायरी देकर कहता है कि अगर पॉसिबल होता तो मैं ये डायरी खुद टॉर्फ। ये कहकर टियन रोते रोते चला जाता है। टियन घर आकर रोने लगता है। डॉक्टर नान फूफा को कॉल करके कहता है कि क्या तुम पागल हो गए, मैंने तुम्हें टियन के बारे में इसीलिए बताया था कि तुम उससे शांति से पूछ सको। फूफा कहता है, मैंने उससे पूछा है। डॉक्टर नान कहता है, तुम्हें उससे आराम से पूछना चाहिए था, ना कि इस तरह से सबके साथ। फूफा कहता है कि टियन ने टॉर्फन के साथ जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। डॉक्टर नान कहता है, मुझे लगता है तुमने टियन के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से बिहेव किया है। फूफा कॉल कट कर देता है। डॉक्टर नाम को डॉक्यूमेंट देख कर कुछ पता चलता है। फूफा और फॉरेस्ट रेंजर्स फॉरेस्ट में कुछ कुछ बैटियों का पीछा कर रहे होते हैं, पर वो उनके आने से पहले ही चले जाते हैं। टियन खमा के घर आता है। टियन खमा से पूछता है कि क्या लोंगते घर में है, मैं उसकी टी शर्ट रिटर्न करने आया हूँ। खमा कहते हैं कि मैंने लोंगते को सुबह से नहीं देखा है, तो शायद वो विलेजर्स के साथ हो। तुम मुझे ये शर्ट दे दो, मैं लोंगते को वापस कर दूंगा। टियन खमा को शर्ट दे देता है। टियन खमा को थैंक्स कहकर चला जाता है। तभी लोंगते अंदर से आता है। खमा उसे शर्ट देते हैं।
खमा लोंगते को कहते हैं कि इन कैटरपिलर्स ने मेरे फूल और पत्ते खा लिए हैं। लोंगते कहता है कि क्या मैं आपके लिए पेस्टिसाइड। खमा मना करके कहते हैं कि हमें इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, भले पर बड़े होकर जब ये बटरफ्लाई बन जाएंगे तो यही पॉलिनेशन के थ्रू फूल के पौधों को रिप्रोड्यूस होने में मदद भी करेंगे। तो अगर तुम फूल होते तो क्या तुम फिर भी कैटरपिलर से लाइफ टाइम नफरत करते? ये कहकर खमा चले जाते हैं। टीएन वाटरफॉल के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पे लोंगते आता है। लोंगते कहता है, मुझे कॉलेज भेजने में टॉर्फन ने ही मेरी मदद की है। वो एक ऐसी इंसान थी जिसने मुझ पर यकीन किया और मेरे फादर से भी मुझे कॉलेज भेजने की बात की। टीएन लोंगते को सॉरी कहता है। लोंगते कहता है, आप मुझे सच सच बताइए, उस दिन आखिर आपके और टॉर्फन के बीच हुआ क्या था? फूफा फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ घुसपैठियों के बारे में। फूफा कहता है, उन्हें पता था कि हम लोग रोज वहाँ राउंड मारते हैं, फिर भी वो आखिर वहाँ रुके क्यों थे? रांग कहता है कि कुछ दिनों पहले वहाँ एक ट्रक के व्हील के निशान मिले थे, पर वहाँ पे कोई भी पेड़ कटा हुआ नहीं था। ये बहुत ही अजीब बात है। फूफा कहता है कि ये उनका ज़रूर कोई प्लान हो सकता है। तुम लोग अच्छे से उस जगह पर नजर रखो, खास करके फाफंडाओ क्लिफ के रास्ते पर। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम लोग तुरंत मुझे बताना। सब लोग चले। डॉक्टर नाम आकर फूफा से टीएन के बारे में पूछता है। फूफा कहता है कि मैंने उसे वापस टीचर्स हाउस में रहने को भेज दिया है। डॉक्टर नाम कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए था। फूफा कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो मेरे पास वक्त नहीं है। फूफा जाने वाला होता है, तभी डॉक्टर नाम कहता है कि अगर मैं कहूँ कि टीएन ने टॉर्फन को नहीं मारा है तो क्या तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? फूफा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर नाम फूफा को टॉर्फन के डेथ और टीएन के ट्रांसप्लांट के डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि टॉर्फन का एक्सीडेंट रात के 1 बजे हुआ था, पर उस तो गाड़ी में टीएन कैसे हो सकता है? फूफा डॉक्यूमेंट देखकर चौंक जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। तुल टीएन को कहता है कि मुझे इस रेस को लेकर बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, तो तुम इस रेस को कैंसिल कर दो। टीएन कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं डर कर भाग रहा हूँ। टीएन अपने फ्रेंड प्रेम को कहता है कि तुम मेरी जगह रेस में चले जाओ और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम उसकी कार भी ले सकते। प्रेम मान जाता है और रेस के लिए चला जाता है। टीएन वॉशरूम में आता है, वहाँ टीएन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तुल उसे देखकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। टीएन ये सब लोंगते को बताकर कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहाँ मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। डॉक्टर नाम फूफा को बताता है कि उस वक्त कार में टीएन नहीं बल्कि टीएन का फ्रेंड था और उसी ने टॉर्फिन का एक्सीडेंट किया है और पैसों के दम पर उसने ये सब बातें दबा दी। ये सब मुझे खुद टॉर्फिन की आंटी ने बताया है। फूफा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। लोंगते टीएन से पूछता है कि आपने सबको पूरा सच। टीएन कहता है, भले ही उस वक्त गाड़ी में मैं नहीं था पर मैंने ही प्रेम को रेस में भेजा था, तो गलती मेरी ही है। लोंगते कहता है कि क्या मैं आपको पंच मार सकता हूँ, उसके बाद हम बराबर हो जाएंगे? टीएन हाँ कहता है। लोंगते पंच मारने के लिए हाथ बढ़ाता तो है, पर वो पंच मारने की जगह सिर्फ उसे टच करके ही छोड़ देता है और कहता है कि अब। लोंगते कहता है कि मुझे नहीं पता कि बाकी सब लोग भी आपको मेरी तरह समझ पाएंगे या नहीं। टीएन कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे समझ रहे हो। लोंगते पूछता है कि अब आप क्या करेंगे? टीएन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग अब मुझसे अपने बच्चों को पढ़वाने देंगे। लोंगते कहता है कि क्या आप वापस चले जाएंगे? टीएन मना करता है और कहता है कि अभी मुझे टॉर्फन की एक और इच्छा पूरी करनी है। मुझे फाफंडाओ क्लिफ पे जाके विश मांगनी है। लोंगते पूछता है कि क्या आपको टॉर्फन की विश पता है? टीएन मना करके कहता है कि मुझे नहीं पता कि टॉर्फन की विश क्या थी, पर उसकी विश कोई भी हो, मैं वहां जाकर विश जरूर मांगूंगा कि उसकी विश पूरी हो। टीएन लोंगते को कहता है कि तुम मुझे अभी फाफंडाओ क्लिफ लेके चलो ताकि साल के अंतिम दिन मैं वहां खुद जा सकूं। लोंगते कहता है कि अभी वहां जाना सही नहीं होगा, खास करके जो अभी हुआ है उसके बाद मेरी हिम्मत भी नहीं है जाने की। टीएन कहता है कि मैं फाफंडाओ क्लिफ जाना चाहता हूँ, ना कि घोस्ट हिल, तो तुम मुझे टॉर्फिन के लिए ही सही वहां लेके चलो। लोंगते मान जाता है। लोंगते घर से फ्लैशलाइट लेने जाता है, तभी टीएन ट और चॉट को छुपकर घोस्ट हिल की तरफ जाते हुए देखता है। टीएन ये देखकर चौंक जाता है और उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद लोंगते टीएन के पीछे आता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? टीएन कहता है कि लोंगते कहता है कि अभी यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है, खास करके वो दोनों। टीएन कहता है कि इसीलिए मुझे ये बात अजीब लगी तो मैंने उन दोनों का पीछा किया, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं। लोंगते कहता है कि अगर ऐसी बात। टीएन कहता है कि अगर हम अभी इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। दोनों आगे जाने लगते हैं।
फूफा टीएन को हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी वो नहीं मिलता है। लोंगटे और टीएन ट और चॉट को एक छुपी जगह देखते हैं। टीएन कहता है जरूर ट और चॉट ने विलेजर्स को झूठ बोला है ताकि कोई यहाँ पे ना आए और वो इलीगल काम आराम से कर सकें। टीएन वहाँ मिस्टर संता को देखकर कहता है कि मेरा शक सही। लोंगटे कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस मैटर लग रहा है, हमें फूफा को जाकर बता देना चाहिए। टीएन कहता है कि तब तक ये लोग भाग सकते हैं। टीएन वीडियो बनाने लगता है तभी मिस्टर संता उसे देख लेते हैं तो दोनों भागने लगते हैं। फूफा आकर खमा से पूछता है कि क्या आपने टीएन को देखा है। खमा कहते हैं कि मैंने उसे बस सुबह में देखा था, उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा है। खमा कहते हैं कि लोंगते भी घर पे नहीं है वरना मैं उसे आपकी मदद करने को खमा कहते हैं मुझे नहीं पता, वो भी शाम से कहीं गया हुआ है। ट और चौड़ ने सिर्फ टीएन को ही देखा होता है तो टीएन लोंगते को कहता है कि तुम मोबाइल लेकर भाग जाओ। लोंगते ऐसा करने से मना करता है तो टीएन ट और चौड़ का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है। लोंगते दूसरी तरफ भाग जाता है। मिस्टर सगदा टीएन को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे इसी पैशन के कारण स्कूल में आग लगी थी तो क्या तुम चाहते हो कि इस बार मैं पूरे विलेज में। मिस्टर सगदा टीएन से मोबाइल मांगता है। टीएन झूठ बोल देता है कि रास्ते में मोबाइल गिर गया है। मिस्टर सगदा कहते हैं कि इसे मार दो, ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। टीएन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरे फादर नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर में परमानेंट सेक्रेटरी हैं, तो अगर तुम मुझे कुछ भी करोगे तो तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारे बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मिस्टर सगदा कहते हैं कि तुम्हारे फादर कोई भी हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। टीएन कहता है अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर सगदा कहते हैं कि तुम्हारे फादर को पता भी नहीं चलेगा कि उनका बेटा मर गया है। मिस्टर सगदा अपने आदमी को टीएन को मारने को कह देते हैं तभी फूफा उनकी तरफ शूट करता है। दोनों के बीच में फायरिंग होने लगती है। टीएन को भागता देख मिस्टर सगदा अपने आदमी को ऑर्डर देते हैं कि तुम उसे अभी पकड़ कर मार दो। मिस्टर सगदा का आदमी टीएन को मारने वाला होता है पर तभी फूफा उस पर गोली चला देता है। फूफा टीएन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। टीएन हाँ कहता है तभी घायल आदमी टीएन की तरफ गोली चलाता है तो फूफा उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है और गोली फूफा को लग जाती है। टीएन यह देख कर रोने लगता है और मदद मांगने लगता है। रात में टीएन के फादर को कोई कॉल करके इस हादसे के बारे में बताता है तो टीएन के फादर उससे पूछते हैं कि क्या टीएन सेफ है। टीएन के फादर उसे कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ, तब तक तुम उसका ध्यान रखो। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।